हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज विक्रम, आपका दोस्त, आपका साथी। आज मैं आपके सामने कुछ अलग से विषय लेकर आया हूँ। हम बहुत सारे सीरियल्स देख रहे हैं। आजकल एक सीरियल आया सत्यमेव जयते, उसे देख के ऐसे लगा जैसे कि मानो कुछ हमें भी करना चाहिए। काफी अच्छा सीरियल है, उसे देखने का तब तक कोई फायदा नहीं जब तक हम खुद ना खड़े हों। और एज एन बिजनेसमैन मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता। समाज की कुरीतियां शायद उससे ज्यादा मिस्टर आमिर खान को दिखाई देती है, बट मैं अपनी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज के प्रति समझता हूँ। एज एन बिजनेसमैन मैं काफी सारी चीजें फेस आउट कर रहा हूँ। मैंने फेस आउट किया कि हम लोग एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हमें सब कुछ मालूम है और कुछ भी नहीं। इन्हीं सब मुद्दों को मैं उठाना चाह रहा था, पर सबसे अहम मुद्दा जो मुझे लगा वो ये था कि हमारे समाज में सबसे बड़ा खतरा वो लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं। एक अनएम्प्लॉयड पर्सन ज्यादा डेंजरस है बजाय कि एक एम्प्लॉयड के। आज सभी बीटेक, बीकॉम, इंजीनियर्स, एमबीबीएस की डिग्री लेके बैठे हुए हैं और सभी ने काफी मेहनत भी की है, इन्वेस्टमेंट भी काफी मोटा किया है। शायद आपके बच्चे या आपके फ्रेंड्स या आपके एल्डर्स भी इसी टाइप से बैठे हुए होंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, फोकस ये है कि हम सब अनएम्प्लॉयड हैं। बहुत सारे लोग आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयड होने से तंग है। वो इस कदर एक अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, घर पे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीजों को फेस आउट करना, लाइक बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। गर्लफ्रेंड भाव नहीं देती, घर वाले इम्पोर्टेंस नहीं देते, मार्केट में जाते हैं तो इज्जत नहीं मिलती, यू नो देयर इज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, बट सॉल्यूशन भी है। हम हर जगह जॉब ढूंढ रहे हैं। क्या हम इंडियंस या तो ये नहीं लगता कि हम लोग खुद भी कुछ कर सकते हैं? इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रोग्राम बनाया, मैंने एक कॉमन प्रोग्राम बनाया और इसके तहत मैंने बहुत सारे लोगों को जानकारी भी देनी चाहिए, पर शायद मैं उन लोगों तक नहीं पहुंच पाया जो इंटरेस्टेड हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ बैठ के खाना पसंद करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि आगे बढ़ना पसंद करते हैं। तो मैं उन लोगों तक जाना चाहता हूं जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी के तहत मैंने कुछ एक आइडियोलॉजिकल और कुछ अन आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मार्केट में उतारे। इसी में मेरा एक कॉन्सेप्ट था डीजी इनकम, अगर आप लोगों ने सुना हो तो। डीजी इनकम को हमने करीबन 1 month पहले इंट्रोड्यूस किया और इसके अंदर हम लोग एक ऐसे कॉन्सेप्ट के थ्रू लोगों को नॉलेज दे रहे हैं जिसमें कि लोगों को नहीं मालूम कि उन्हें क्या करना चाहिए। लाइक आपके घर पे एक बंदा बैठा हुआ है जिसे इंटरनेट आता है, जिसे कोई भी कंप्यूटर का छोटा मोटा कोर्स करके बैठा हुआ है, पर उसे नहीं मालूम कि वो घर पे बैठा बैठा क्या कर सकता है। इंटरनेट वर्ल्ड या कहीं साइबर वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे काम है जो आप घर बैठे बैठे कर सकते हो। मैं बहुत सारी कंपनीज के एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ आपको जो एक घर से स्टार्ट हुई। आपके सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है क्विकर, फेसबुक, और फेसबुक से बड़ा एग्जाम्पल तो कुछ नहीं। इसी आइडियोलॉजिकल चीज को हम लोग यूज करें और इसी चीज, इसी साइबर वर्ल्ड को हम यूटिलाइज करें, तो यू नो साइबर वर्ल्ड के थ्रू हम लोग लाखों कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं।
आजकल क्विकर काफी लोगों तक पहुंचा हुआ है और क्विकर काफी सारे लोगों तक फैला हुआ है। OLX काफी अच्छी डिमांड में है। फेसबुक, हम लोग अक्सर एक सर्वे कहता है कि एक नॉर्मल इंडियन वुमेन जो है जो मेट्रो सिटीज में रह रही हैं वो आज के टाइम पे अपनी लाइफ का 25% हिस्सा नेट पे यूज करने में बिता रहे हैं, जो कि मोबाइल और लैपटॉप्स और साइबर कैफेज वगैरह में होता है। इंटरनेट भी काफी इजी हो गया है, बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गई हैं। आप कोई चीज मैं बताना जरूर चाहूंगा कि हम लोग घर पे बैठे बैठे काफी चीज डेवलप भी कर सकते हैं और काफी कुछ प्रोडक्ट बना सकते हैं। अंडर द बैनर ऑफ डीजी इनकम हम लोगों को ये एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपने घर पे बैठे बैठे लाइक एक छोटी सी प्रोडक्ट को सेल करके परचेज करके काफी इनकम कमा सकते हैं। उन्हें हर चीज को खरीदने बेचने की जरूरत नहीं है, वो अगर वैसे भी थोड़ा बहुत भी टाइम अगर हर रोज 1 घंटा 2 घंटा निकालना चाहे, हर रोज 1 2 घंटे निकाल के वो काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। मैं नहीं कहूंगा लाखों में, बट मैं ये कहूंगा हाँ एज ए पार्ट टाइम और एज एन तब तक जब वो तक वो अनएम्प्लॉयड है काफी अच्छी इनकम कर सकते हैं। लाइक एडसेंस को यूज कर सकते हैं, क्विकर पे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब चैनल पार्टनर्स हैं, एडवर्ड्स वगैरह यूज कर सकते हैं, SEO कर सकते हैं। द मेजर थिंग इज बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड है और SMO भी काफी डिमांडेड है, और आपके एक छोटे से फेसबुक पेज से ही आप वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर हो गए, बहुत सारा इनकम अर्न कर सकते हो थ्रू SMO थ्रू XYZ। आप किसी भी एक ऐसे क्लाइंट को सर्च आउट कर सकते हैं जो कि आपके काम का हो, उस क्लाइंट को आप अपनी सर्विस दे सकते हैं, सिर्फ आपको 1 घंटे 2 घंटे देने हैं। इसी के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ एक ऐसे आइटम्स लेके आऊंगा आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर, आने वाले कुछ दिनों में हम लोग अपने इस प्लेटफॉर्म और हम लोग इस चैनल पर कुछ ऐसे वीडियो क्लिप्स अपलोड करेंगे जिसमें हम लोग बताएंगे आपको कि किस तरीके से आप अपने घर बैठे बैठे सिर्फ 1 घंटा सिर्फ 1.5 घंटा और मात्र 10 मिनट दें तो भी आप ठीक ठाक इनकम अर्न कर सकते हैं। ये हमारा मेजर मेजर एक्सप्लेनेशन होगा, और इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये फायदेमंद लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टाइम फिर से मुलाकात होगी, जल्दी मुलाकात होगी, तब तक सब खैर। दिस इज इन अ प्रैक्टिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट एडिशन में।